और उनके साथ आए हुए विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर सतपाल सिंह जी, यहां के स्थानीय सांसद डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी और इस पवित्र अभियान के साथ जुड़े हुए सभी महानुभावों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं माननीय गडकरी जी को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि जनवरी 2019 में प्रयागराज में कुंभ का आयोजन है। कुंभ का आयोजन ऐतिहासिक हो, भव्य हो, दिव्य हो, इसके लिए गंगा की पवित्रता, उसकी निर्मलता, उसकी अविरलता अत्यंत आवश्यक है। और इसलिए मैंने प्रदेश सरकार के अपने सभी अधिकारियों के सामने एक डेडलाइन घोषित की है कि 15 दिसंबर से गंगा जी में कोई भी गंदा नाला नहीं जाएगा। 15 दिसंबर तक जितनी भी एसटीपी नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत पूर्ण हो सकती हैं, उन्हें 15 दिसंबर तक पूर्ण करना और जो शेष बस्ती हैं वहां पर बायो रिमिडेशन विधि को लागू करते हुए या अन्य जो भी आवश्यक उपाय हैं उनको लागू करते हुए हर हाल में बिजनौर से बलिया तक पवित्र गंगा नदी में जितने भी ऐसे नाले बहते हों उनको हर हाल में उनकी शुद्धिकरण की कार्रवाई अभी से वे तैयारी कर लें और 15 दिसंबर के बाद यह मुझे कहीं से शिकायत नहीं आनी चाहिए कि गंगा जी में कहीं पर कोई गंगा नाला बह रहा है। भाइयों बहनों, हम सब के लिए यह एक जीवन का मिशन भी है और हम सब आभारी हैं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जिन्होंने गंगा जी को राष्ट्रीय नदी और गंगा राष्ट्रीय गंगा नदी प्राधिकरण और नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपए की एक परियोजना 2500 किलोमीटर की गंगा की इस धारा को अविरल और निर्मल बनाने के लिए उपलब्ध कराई है। एक बहुत बड़ा पवित्र कार्य है। आप सोचिए कि आज हम हजारों वर्षों के बाद महाराज भगीरथ को याद करते हैं इस बात को लेकर के, क्योंकि गंगा की धारा को, भागीरथ की इस धारा को इस धरती पर उतारने का पवित्र कार्य उन्होंने किया था और जिस पवित्र कार्य को उन्होंने किया आज उनकी वर्तमान पीढ़ी का यह दायित्व तो बनता है कि हम अपने पूर्वजों की इस धरोहर को सुरक्षित रखें, उसको संरक्षित करें, उसको क्षुण्य बनाए रखने में अपना योगदान दे सके और कम से कम अगर हम कोई अन्य उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम गंगा जी को और अपनी पवित्र नदियों को कहीं अपवित्र तो न करें। और इसलिए आज के इस अवसर पर मैं इस बात को कह सकता हूं कि हम लोगों ने इस दिशा में अपने पूरे संकल्प के साथ हम जुड़े हैं। युद्ध स्तर पर उस कार्य योजना को आगे बढ़ाने के लिए पहले ही कहा जा चुका है और हर हाल में इस कार्य को पूरा होना है, इस कार्य को पूरा होना है क्योंकि कुंभ का पहला स्नान 15 जनवरी को प्रयागराज में होगा। देश और दुनिया के करोड़ों की संख्या में वहां पर धर्माचार्यगण आएंगे, श्रद्धालुजन आएंगे, अतिथिगण आएंगे, उन सब के स्वागत के लिए उस प्रकार की व्यवस्था हम सब के पास होगी। इस जिससे हम सब इस संकल्प के साथ बंधे हैं और प्राणपण से इस पूरी परियोजना को समयबद्ध ढंग से हम पूरा करने के लिए पूरी तरह से संकल्पित हैं। गंगा की अविरलता आज भी हम सब के लिए एक चुनौती है। माननीय जोशी जी कह रहे थे कि हरिद्वार में जब भीमगोड़ा के बाद समाते हैं गंगा की एक धारा को वहां से गंग नहर के रूप में निकाल दिया जाता है। ऐसे आते आते यह रुड़की के बाद तो स्थिति और भी दयनीय हो जाती है और मैं माननीय गडकरी जी से अनुरोध करूंगा, हम लोगों ने अगले वर्ष के लिए एक बड़ा प्लान तय किया है।
कि अगर गंगा की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखना है तो हमें गंगा की मूल धारा को यथावत बनाए रखते हुए उस पर कार्य करना होगा। और इससे आवश्यक है कि गंगा और यमुना के दोनों तटों पर भारी पैमाने पर हर एक किलोमीटर पर एक एक बड़े तालाब का निर्माण करवा करके हम बरसात के जल का संचयन उस पर करें, जल स्तर को उन क्षेत्रों में ऊंचा कराने का कार्य करें, व्यापक वृक्षारोपण का कार्यक्रम जो गंगा हरितमा अभियान के अंतर्गत चल भी रहा है इस अभियान को भी हम तेजी के साथ आगे बढ़ा सकेंगे। तो स्वाभाविक रूप से जब जल स्तर भूगर्भीय जल पर्याप्त मात्रा में रहेगा, लोगों के पास ऑप्शन होंगे, तो गंगा की जो मूल धारा हम लोग विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई के लिए इधर उधर भेजने का कार्य नहरों के माध्यम से करते हैं, हम गंगा की उस धारा को पूरी अविरलता के साथ बनाए रखने में सफल होंगे। और गंगा अविरल हुई तो गंगा निर्मल भी होगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। जब एक साथ प्रधानमंत्री जी, माननीय गडकरी जी, उनके सभी मंत्रिमंडल के सहयोगी इस पवित्र अभियान के साथ लगे हैं तो मैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा जी 1000 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उत्तर प्रदेश की भूमि को दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि बनाने में गंगा, यमुना और यहां पर बहने वाली इन पवित्र नदियों ने अपना योगदान दिया है। इन्होंने इस क्षेत्र की धरती को केवल अन्न ही नहीं सोना उगलने की क्षमता दी है। तो स्वाभाविक रूप से इनकी अविरलता और निर्मलता के प्रति हम सब पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। और मैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि अगर जैसे नमामि गंगे परियोजना को लेकर के बायोरिमेडिटेशन विधि के लिए और अन्य पद्धतियों को भी लागू करने के लिए उन्होंने अपना पूरा सहयोग किया है, मैं आह्वान करूंगा कि गंगा और यमुना के तटवर्ती क्षेत्रों में हमें पर्याप्त मात्रा में तालाब बनाकर के वृक्षारोपण के अभियान को अगले वर्ष की कार्य योजना में हम लोगों ने अभी से शामिल कर दिया है। और इस वर्ष हम लोगों ने प्रदेश के अंदर देश की स्वाधीनता दिवस के दिन 9 करोड़ वृक्षारोपण का एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि 9 करोड़ वृक्ष एक ही दिन प्रदेश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर लगेंगे। इसमें प्रदेश सरकार का पूरा तंत्र तो लगेगा ही, साथ साथ विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वयंसेवी संगठनों को, धार्मिक संगठनों को उनके साथ जोड़ने का एक बड़ा कार्य हो रहा है। और विभिन्न संगठनों को जोड़ते हुए हम इस कार्य को करेंगे। अगले वर्ष इस कार्य को हम गंगा, यमुना और उन अन्य पवित्र नदियों के तटवर्ती क्षेत्रों में लेकर के चल रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में तालाब को खुदवाने के साथ साथ वृक्षारोपण का बृहद कार्यक्रम इन क्षेत्रों के लिए भी हम अगले वर्ष के लिए लेंगे, जिससे आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी को हम गंगा जी की पवित्र धारा को उसी अविरलता और निर्मलता के साथ दे सकें जो आज से हजारों वर्ष पहले कभी भागीरथ ने दिया होगा। मैं आज के इस अवसर पर, आपने उत्तर प्रदेश की दिश से विभिन्न परियोजनाओं में रुचि ली, मुक्त हस्त से उत्तर प्रदेश को इन योजनाओं के लिए धनराशि उपलब्ध कराया। और जब भी उत्तर प्रदेश का की कोई परियोजना आपके सम्मुख आती है, आपने उसमें भरपूर सहयोग किया, चाहे वह अयोध्या में पवित्र सरयू जी के तट पर वहां के गंदे नालों को ट्रेप करते हुए वहां पर एसटीपी के निर्माण का हो, या फिर गढ़मुक्तेश्वर से लेकर के वाराणसी तक बनने वाली इन सभी जो भी हमारे एसटीपी हैं, इन सब के लिए या नालों के निर्माण की जिससे जो भी कार्य योजना बनानी थी, इन सब के लिए पर्याप्त मात्रा में धनराशि उपलब्ध कराने की जो कार्रवाई की। और यही नहीं, राजमार्ग निर्माण में भी जिस प्रकार का सहयोग आपके स्तर पर प्राप्त हुआ है, मैं इसके लिए आपका एक बार पुनः अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ इन सब कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करते हुए 15 दिसंबर को
हम लोग गंगा जी को 100% शुद्धि का आश्वासन उत्तर प्रदेश के नागरिकों को और कुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुजनों को देने का कार्य कर सकते हैं। आज के इस अवसर पर एक बार पुनः मैं कानपुर और बिठूर के नमामि गंगे परियोजना में निर्मित घाटों के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर यहाँ के नागरिकों को बधाई देता हूँ। यहाँ के हमारे माननीय दोनों सांसद, माननीय विधायकगण, यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों को और कानपुर वासियों को मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि हम सब मिलकर के गंगा की पवित्रता को बनाए रखने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को विचार प्रकट करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। इसी के साथ नमामि गंगे